गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेटेलाइट की दुनिया में। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि 39 ईस्ट आप लगा सकते हैं, हम इसे मिनी हॉटबर्ड बोल सकते हैं। उसकी सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको लगाने और सेटिंग करने के लिए आपको शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले आपको ट्रैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो 7 बजे बाद सिग्नल वीक होने लगते हैं और 9:30 बजे तो बिल्कुल डंप यानी ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी जब भी सेटिंग करें शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले सेटिंग करें इसकी। और इसकी एल एन बी एंगल आप देख सकते हो, करीब ऐसा रहेगा, हमारा देसी भाषा में इसको हम बोलते हैं, करीब 5 बजे के आसपास आप ये ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये करीब मैंने 12 फीट डिश में लगा रखी है और इसको मैं 6.5 फीट में मैंने ट्रैकिंग की हुई है और 6.5 फीट फाइबर मेरे पास थी, अदरवाइज मेरे किसी दोस्त ने ले ली है, कि वो कहने लगा कि भाई मुझे दे दो, क्योंकि डिश से जो 6.5 फीट साइज़ है जिसे नॉर्मली 6 भी बोल देते हैं, वो डिश आती बहुत कम है, बड़ा ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ मैं कहीं दिल्ली से कहीं कहीं से, लेकिन दोस्त इतने पीछे पड़ जाते हैं कि मैं उनको मना ही नहीं कर पाता हूँ। तो जब भी मैं एक डिश सेटिंग करूँगा 6.5 फीट उसके जो है एल एन बी की रॉड्स या स्टैंड्स बनाऊँगा, सारी मैं आपको डिटेल वो भी दूँगा कैसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो भी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों, जैसे हमारे पीछे लगी है 12 फीट जेम्स में लगाई हुई है, हमारा 6.5 फीट इस डिश के 10 फीट का एक साइज आता है, उसके बराबर 6.5 फीट काम करती है। और माना हुआ, मैं दावा कर सकता हूँ कि जो 6.5 फीट डिश फाइबर है वो जेम्स की 10 फीट के बराबर ही काम करती है, उससे कम नहीं करती, प्लस ही करती है। तो जो 85 ईस्ट है वो 6.5 फीट में फुल चल जाता है हमारे यहाँ दिल्ली में, और वही चीज़ जो है अपना 11 फीट या 12 फीट चाहिए होता है 85 को पूरा चलाने के लिए। तो दोस्तों, इसका एल एन बी जो एंगल रहेगा अपना 5 बजे के आसपास रहेगा देसी भाषा में, और इसको लगाने के लिए जो इसकी हाई टी पी है जो अब मेरी 4 फीट में भी आसानी से आ जाती है, तो सॉरी, तो जो टी पी है मैं आपको बता देता हूँ, 11517 नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, 11517 और हॉरिजॉन्टल 1500, जो एक आप आसानी से YZ के ऑफ करके उसको आप सेटिंग कर सकते हैं, जो आसानी से आ जाती है। उसे लगाने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, वहीं आ जाएगी जो अपना, या और अगर आपको और आसानी है तो पाक सेट तो नॉर्मली आ ही जाता था, पाक सेट की आप सी बैंड के एल एन बी लगा के उसको हटा के आप के यू बैंड लगा लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन जो मैंने आपको टी पी होती है वो आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी चलते हैं, फिलहाल मैं लेट हो चुका हूँ इसलिए मैं आपको 250 चैनल के आसपास स्कैनिंग नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है और बारिश का मौसम हो रहा है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा चैनल कम मिलेंगे। तो फिर भी हम चलते हैं दोस्तों, स्कैन करते हैं कितने चैनल मिलते हैं, कितने मैं आपको दिखा सकता हूँ, और कुछ जो अच्छे ही चैनल कह सकते हैं उनमें, बट मैं उनको आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उनको खोलने का मेथड तो आप आजकल सभी जानते हैं, तो मैं खोल के बताना भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, चलते हैं टीवी के पास, और प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ दोस्तों। तो चलते हैं टीवी के पास। दोस्तों, हम आ गए हैं टीवी के पास, अब देखते हैं इसमें कितने चैनल स्कैन हुए हैं। काफ़ी पीक सेटेलाइट है और थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, इस वजह से थोड़ा सिग्नल कम बता रहे हैं, अदरवाइज ज़्यादा रहते हैं। तो हम इसको करते हैं स्कैन। थर्टी नाइन इंच पे दोस्तों, अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो रात को 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले ट्रैकिंग करें, अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है, करीब 9 बज रहे। दोस्तों, मेरे करीब इसमें 250 से ऊपर चैनल आते हैं, बट मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो चुका हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट उठा हूँ मैं, थोड़ा जल्दी उठा होता तो मैं आपको 250 प्लस स्कैनिंग दिखा देता,
क्योंकि 9 बजे बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है सेटेलाइट नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि ये भी ऐसी सेटेलाइट है जैसे हॉटबर्ड, हॉटबर्ड जैसे इसके सिग्नल है। तो अभी तो बहुत कम चैनल्स में स्कैन होंगे मेरे, लेकिन दोस्तों अगली वीडियो में मैं किसी दिन बनाऊंगा तो इसमें पूरी स्कैनिंग रिपोर्ट दूंगा मैं आपको, जितनी NGA सारी आ जाती है आप देख सकते हैं चैनल से आ रहे हैं साइड साइड में। तो मेरे हिसाब से अभी तो इसमें मेरे ख्याल में 150 के आसपास ही इसमें स्कैनिंग हो पाएंगे। देखा दोस्तों 123 आए हैं तो मैंने सेव। तो दोस्तों जैसा मैं बता रहा था डिस्कवरी चैनल, लेंटा टीवी, कुछ चैनल्स है जो इस टाइम मैं यूट्यूब पे दिखा नहीं सकता, मतलब इस टाइप मिल जाएगी। पेंटा हाउस ये भी चलता है, दिस हॉट पॉट ऐसा कहता है, मिनी हॉट पॉट कह सकते हैं लोग इसको। AMC फैशन सब चलते हैं अभी, थोड़ा जब मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। XY+ है, फिर एक चैनल देख सकते हो आप, ये भी एक चैनल है जो मैं दिखा नहीं सकता आपको। हाँ बट आपको अगर पर्सनली है तो मेरे व्हाट्सएप पे भी करिए, मैं आपको हल्का छोटी सी क्लिप बना के दे दूँगा, आप देख लेना। ये तो आप फेमस चैनल है ही है, वो भी चलता बट मैं आपको दिखा नहीं सकता। दोस्तों से खोलने के लिए मेथड है वो मैं आपको पर्सनल चैट पे बता पाऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने सोचा बना ही देता हूँ, बट आज संडे है, आज मैं क्रिकेट भी खेलने जाता हूँ तो थोड़ा लेट उठाऊँ, तो इस चक्कर में दोस्तों मैं पूरे चैनल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में आपको दोस्तों सारे चैनल ढंग से दिखाऊंगा। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, न्यू इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए चलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।